गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पेंसिल ड्राइंग स्टार्ट करवा रहे हैं। ये बेसिक है, आप ड्राइंग शुरू करते हैं कोई भी, तो अपने पास पेंसिल है, पेपर है, लेकिन उस पर क्या बनाएं और कैसे बनाएं वो मन में सभी के रहता है। और आप कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, दो चार कुछ वीडियो हैं, तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं पेंसिल से, और उसके बाद आप उसको कलर भी कर सकते हैं। आइए कुछ टेक्निक्स हम आपको शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले वही बात होती है कि हमारे पास पेपर है, पेंसिल है, लेकिन क्या बनाएं और कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक प्रैक्टिस हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाना आपको आना चाहिए। आप पेंसिल रखें और फ्री हैंड से आप सीधा, ये देखिए, ये किसी भी दिशा में जाए, एक स्ट्रेट कोशिश कर रहे हैं इसको, बस ये खूब सारी, इसके साथ साथ खूब सारी लाइनें बनाए आप फ्री हाथ से। रखने के बाद इसको स्ट्रेट सीधा जा रहे, देखिए इस तरह से। आप ये प्रैक्टिस करें, सैकड़ों बार प्रैक्टिस करें, फ्लो ऐसे आना चाहिए आपका। उसके बाद आप इसको, इसी को यूँ क्रॉस कर सकते हैं ऊपर से नीचे, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका लेवल वो बढ़ता है। आप ड्राइंग में ये है कि आपको एक सबसे पहले कि पैशन, धैर्य बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक हो रही हैं, होने दो, मिस्टेक करें आप, खूब बार बनाए ये चीज़। इससे क्या है कि आपका हाथ का जो फ्लो है, पेंसिल के साथ आपका कांटेक्ट है, और इसका पेंसिल का जो प्रेशर है वो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें कुछ लाइन डार्क्स हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ हाड़ी टेढ़ी हैं, कुछ सीधी हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये देखिए, प्रेशर डालने से पेंसिल का प्रेशर कैसे होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी खूब सारी। इसी तरह से इसी पैटर्न को हम अब साइड पे लेंगे, 45 डिग्रीज पे लेंगे इसको, देखिए ये, यस, ये देखिए, ये आप एक कोशिश कर रहे हैं ये सारी समानांतर लाइनें हो, ये देखिए। आप रखने के बाद पेंसिल ऊपर इस तरह से ले जाएं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और पेंसिल का जो बिहेव है वो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये सब आप इस तरह से, ये एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है, ये स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। और आपको सीक्रेटली बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट वार्म अप के रूप में करते हैं। कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले कोई भी आर्टिस्ट सीधा लेकर के ऐसे नहीं बैठ जाता कि पेंसिल लिया और कुछ बना दिया। ये एज ए वार्म अप है, आप एज ए वार्म अप इस तरह से आपको ये कुछ सारे पेज यूज़ करने हैं आपको इस तरह से पहले। और इस तरह से जब आपको ये पेंसिल का जो नेचर है, बिहेव है, वो आपको पता चलेगा कि पेंसिल का प्रेशर किधर से, कब ज़्यादा डार्क होती है, कब लाइट होती है, स्ट्रेट सीधी होने के क्या कारण है। अगर आप इसको बीच में रोक देंगे तो ये आड़ी टेढ़ी लाइन हो जाएगी, और रखने के बाद सीधा स्ट्रेट आ गए आप चले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपका एक वार्म अप है, ये आपको करना ही करना है, ये आपका डेली काम है। ड्राइंग करने से पहले बेसिक नॉलेज आपको, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत उपयोगी है, जो ड्राइंग बनाते हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल नया सीख रहे हैं उनके लिए भी। आइए कुछ और एक्सरसाइजेज हम बताते हैं आपको। कम से कम ये डेली ये करना है आपको ड्राइंग में। ये बहुत ज़रूरी है कि डेली आप ड्राइंग करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप मिस्टेक करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली ड्राइंग करें और ये वार्म अप के बाद आप शुरू करें। दूसरा सिंपल सा एक एक्सरसाइज हम आपको और बताते हैं। वो एक्सरसाइज पे अगर आपने कमांड कर लिया
तो आपकी ड्राइंग बहुत ही शानदार हो जाएगी। ये सारा उसी के अंदर। आप देखिए, आप में सिंपली एस लिखते हैं, एस लिखते हैं, ये बड़ा साइज है आपका, छोटा एस नहीं लिखना है, हम एस लिखते ही लिखते हैं, लेकिन ये बड़ा एस लिखना है और कोशिश रखना है कि ये गोलाई देते हैं। ये देखिए, ये एस लिखना है, और इसी तरह से आपको 100 टाइम सैकड़ों बार ये एस 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 ये इस तरह से आपको करते रहना है। इससे देखिए आपका ये पेंसिल के साथ आपका जो जो आपका माइंड गेम चेंज है वो होगा आपको। बस आपको ये एक्सरसाइज बनानी है, ये एस एस आपको पूरा इस तरह से इसमें लिखना है, और फ्री फ्लो में आप जब पेंसिल रख दिया बनाकर चल दिए बस ऐसे फ्री फ्लो में, ये किधर जा रहा, कैसा बन रहा है, ये भी आपका एक वार्म अप एक्सरसाइज है, और ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये क्या शेप बनेगी, कैसे बनेगी, इस बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, लेकिन बस यो एस बनाते हुए आपको खूब सारी एक्सरसाइज इस तरह से आपको बनानी, इसी के ऊपर बनाते रहना है आपको। बस ये आपको एक करना है। अब दूसरा इसी का पार्ट है, इसको अपोजिट, अपोजिट मीन्स लाइक दिस, उल्टा एस कहें तो उसको हम, तो इस तरह से भी आपको ये बनाते रहना, इसी के ऊपर बनाते रहना है, आगे चलते रहना है थोड़ा सा बस ये। लेकिन फ्री फ्लो मीन्स पेंसिल रख दिया तो आपको ऐसा नहीं है कि यूँ रख दिया, यूँ घूम काँप रहे हैं, घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। जैसा भी जाए, जिधर भी जाए, आपके मन में ऐस जैसा होना चाहिए, यूँ रखो और इसको चलाओ। बस ये पेंसिल वर्क है आपका, जैसे हमने स्ट्रेट लाइनें ऊपर बनाई है, इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी आपको बहुत ही बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाने में। आपको रखना है और ये आपको पूरे पेज पे कम से कम डेली आपको एक पेज तो यूज़ करना है आपको हर एक एक्सरसाइज में। उसके बाद देखेंगे आपकी ड्राइंग, आपकी जो पेंसिल पे कंट्रोल है वो शानदार होता चला जाएगा। इसी एक्सरसाइज के दो पार्ट और हैं। अब हम इसको वर्टिक हॉरिजेंटल लेंगे, ये जो खड़ा एस बनाया है हमने उसको जो आड़ा लेंगे, इस आड़े का मतलब आप ये समझिए। यस, इसी तरह से आप इस बस इसी के ऊपर घुमाइए, बार बार इसी के ऊपर घुमाने की कोशिश करिए। इसी को कॉपी कर रही है कि नहीं कर रही है ये नहीं देखना आपको, कॉपी कर रही है कि नहीं कर रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, इधर से उधर, उधर से यहाँ पे, आपको ये फ्री फ्लो में बनाना, बस स्पीडली बनाना है आपको, स्पीडली बनाना है आपको। ये एक एक्सरसाइज है, पूरे के पूरे ये पूरा पेज ही एक्सरसाइज का है, जिससे आपका ये पूरा पेज इस तरह से, आप इसी तरह से भी एक एक पेज पे भी आप यूज़ करके बना सकते हैं, वरना एक पूरी नॉर्मल रफ कॉपी है उस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी इसी का अपोजिट आप ये देख रहे हैं, इधर से हमने बनाया है तो इसको हम इधर से ऐसे बनाएंगे। ये देखिए यूँ, ये वाला भी एक्सरसाइज आपकी, ये वाली भी एक्सरसाइज, ये क्लास, ये समझो फर्स्ट से लेकर 10 तक, या जब तक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इसको डेली एक्सरसाइज करते हैं इसकी। आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लग जाएंगे, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लग जाएंगे। उसके बाद भी ये आपका वार्म अप है, जब भी टाइम मिलता है बड़े आर्टिस्टों को, वो बैठ करके इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, और ये सीक्रेटली बात है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। बड़े आर्टिस्ट ये नहीं कहेंगे कि जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज में लगे रहते हैं और ये करते रहते हैं। ये देखिए, स्पीड और स्पीडली आपको करना है, स्पीडली आपको करना है, जिससे आपको आपको माइंडली आप ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी पेंसिल के साथ कि कोई भी ड्राइंग, कैसी भी ड्राइंग आप बहुत शानदार अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए, इसी इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं, उसका भी है और इसका भी, हम एक ही पेज पे बना रहे हैं इसको। देखिए, इसका एक्सरसाइज, ये जो हमने एस बनाया था उसको हम क्या करेंगे, अब पूरे एस को एट एट आठ आठ की संख्या जो आप लिखते हो एट, बस ये एट, ये भी एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, ये बहुत ही हेल्पफुल है,
बस ये आपको पेंसिल रखना है और उसको घुमाते रहना है बस। कंट्रोल पेंसिल का प्रेशर और उसका चलन। पेंसिल बहुत बार सोचते हैं हम बनाना चाहते हैं लेकिन पेंसिल हमारे मन के अनुसार नहीं चलती है। हम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं लेकिन पेंसिल हमारा ऑर्डर नहीं मानती है। तो ये अपने पेंसिल को अपने मन के साथ जोड़ने के लिए ये पेंसिल आपका मन का दर्पण बन जाएगी जब आप ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो फिर आपका जो मन से ये जब जुड़ जाएगी आपके, तो ये पेंसिल आप जो चाहेंगे वो ही बनाएगी। लेकिन बनाएगी कब? जब आप इसको दिल से जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस स्पीडली आपको ये करना है। इसी तरह से इस सेट को भी हम आड़ा लिटा के बनाएंगे। ये देखिए यस, ये स्टूडेंट बहुत ही बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज हैं। अगर ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ साथ बहुत ही शानदार ड्राइंग बनाने शुरू कर देंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद बात आती है कि बहुत से ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन सर्किल बनाने में उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। या तो वो कैंपस का यूज़ करते हैं या फिर गोल सर्किल या कोई ढक्कन ग्लास कुछ या चूड़ी वगैरह लेते हैं, जबकि वो सही नहीं है। सर्किल बनाने का भी अपना एक बहुत ही वो बड़ा है कि आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं तो आपको एक सर्किल बनाना आना चाहिए। तो इसलिए सर्किल की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। सर्किल में आप बस यही है कि इसके सिंपल सा है कि आप सी बनाना आना चाहिए आपको। सी बनाया आपने, अपोजिट सी यहाँ से एक सी बना दें, बस सर्कल जैसा बन गया। अब इसकी भी एक्सरसाइज आपको करनी क्या है, यही करना है सर्किल सर्किल सर्किल। ये सर्किल आपको, सर्किल पे भी आपको स्पीडली एक्सरसाइज बनाने हैं। यह आप सर्किल एक ही बार में अच्छा सा सर्किल आप ऐसा बना देंगे। अगर सी से डायरेक्ट भी आप रखो और गोल घुमा दो, बस सर्किल बन गया। सर्किल बनाने की एक्सरसाइज ये सब सब की सब बहुत ही बहुत सारी की सारी शानदार एक्सरसाइज हैं जो आप करना ही है आपको। ये सब एक्सरसाइज बहुत अच्छी ड्राइंग जो बनाने के इच्छुक हैं वो। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में सिर्फ सिर्फ और इन्हीं आकृतियों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं शेप में से निकल के आती है पूरी ड्राइंग। पूरी दुनिया की ड्राइंग में ऐसा कोई शेप नहीं है जो इन शेप से अछूता हो। इसी शेप में, इसी शेप की हेल्प से, इसी शेप के पार्ट से ही कोई न कोई ड्राइंग बनती है। और ड्राइंग बनने के बाद दूसरा लेसन आता है शेडिंग का, वो हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम आपको बता दें, शेडिंग का भी एक पीस हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शेडिंग का तरीका यही होता है कि आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका कुछ अलग होता है। शेडिंग में दो तीन तरीके होते हैं और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको इस तरह से पकड़ना है पेंसिल को। शेडिंग करने के लिए पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है। और ये फिंगर आप जो देख रहे हैं, ये प्रेशर के लिए है फिंगर हमारी। पेंसिल पे प्रेशर हमें कितना डालना है। देखिए, हम बिल्कुल हल्के हाथ से एक शेडिंग, ये हल्के हाथ से हो रही है। और अब इसमें आपको करना क्या है, ये बिल्कुल पास पास में चलना है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर चले गए। ये देखिए, आप ये जिग जिग करते जाएं और धीरे 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 आगे 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 अपने आप ये पेंसिल थोड़ा थोड़ा से चलाते जाएं और इधर प्रेशर भी बढ़ाते जाएं। प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ाने के लिए हमने जो ये जो फिंगर रखी है, इस फिंगर को आप थोड़ा सा टाइट इसको रख लें या दबाएं, इसको प्रेशर दें। और इस पर फिर हम जैसे जैसे आप प्रेशर देते जाएंगे, देखिए आगे से आगे ये शेड डार्क होती जाएगी, शेडिंग डार्क होती जाएगी। और डार्क करने के लिए वैसे तो स्पेशल
पेंसिल्स होती हैं ये 2B, 4B, 6B, 8B। 8B का और भी डार्क टोन होता है। और भी डार्क करने के लिए इसको बार बार ब्लेंड करते हैं, उसके बाद फिर से शेडिंग करते हैं। लेकिन अभी एक ही बार में एक ही पेंसिल से आप शेडिंग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे चार पार्ट दिखेंगे, 1, 2, 3, 4। उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चार पार्ट को इस तरह से भी बांट के आपको एक्सरसाइज की कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से 4 पीस बना लीजिए। ये जो पहला पीस है ये बिल्कुल लाइट, इस पे आपको ये उंगली का प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ फिंगर्स को इस तरह से पकड़ के इस पे बस सप्लाई करते रहना है, और जो टोन है इस पेंसिल का वो इसमें आ जाएगा। ये लेकिन पास पास में रखना है, प्रेशर नहीं देना है, ये लाइट टोन है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे, और ये आपके प्रेशर बढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना है, और बहुत ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये फोर्थ स्टेज हो जाएगी, हमें ये सेकंड स्टेज बनाना है। अगर ये 25% इस पे हम प्रेशर मान रहे हैं तो ये 50% है। अब यहाँ पे हम 25 प्लस और करेंगे तो ये 75 का प्रेशर हमें इस पे देना है। हमें इस तरह से सोचना है, ये थोड़ा सा इससे और ज़्यादा प्रेशर हो इस पे, तो ये इससे थोड़ा सा और ब्लैक पार्ट बनेगा इसका। और उसके लिए आपको बिल्कुल पास पास में इसको नज़दीक इसको रखना है, और प्रेशर उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब ये तो जब आप प्रेशर इस पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने उस पे पहले कितना प्रेशर डाला था और अब इस पे हम कितना प्रेशर डालें। तो ये प्रेशर जो डालने वाली बात है, ये कोई बुक्स, कोई वीडियो, कोई टीचर आपको बता ही सकता है, लेकिन आप जब डालेंगे तो आपके माइंड को आपको ही पता चलेगा कि आपने, ये देखिए चार सेट दिख रही हैं आपको। अब यहाँ पे हम इससे और भी तेज प्रेशर डालेंगे, इससे भी ये समझो कि 100% हो जाएगा आपका। इसमें और 25% ऐड करेंगे ताकि इससे भी और डार्क दिखे। ये हम सिंपली इस सेटिंग को टोन ही कहते हैं, इसको टोनल सेटिंग। और ये हैचिंग सिस्टम से हम कर रहे हैं कि एक दिशा में लाइन बना रहे हैं, लेकिन इसका टोन आप देखेंगे तो इसमें देखिए हमने लाइट टोन है, ये डार्क डार्क और डार्क होता जा रहा है, इसमें हमने और भी प्रेशर डाला है। तो आपको ये शेडिंग का तरीका होना चाहिए। अब जब आपको ये तरीका आ जाता है तो इसका अपोजिट भी आपको करना चाहिए। इसका अपोजिट आप करेंगे तो अपोजिट क्या करेंगे, पहले डार्क शेड देंगे, इसी इसी पार्ट को हम नीचे ला रहे हैं, पहले हम डार्क शेड देंगे, डार्क प्रेशर फुल इस पे, फुल प्रेशर। आपने 100% प्रेशर डाल रखा है और हमारी लंबाई इतनी ही है, तो हम इसको प्रेशर को फिर थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। और जब ये हाफ तक जा रहा है तो उसके बाद हम प्रेशर को और कम करेंगे। ये देखिए प्रेशर डालने का तरीका ये है, प्रेशर और कम किया है हमने पेंसिल पे। ये आगे जाने के बाद तो हम, ये देखिए इस पार्ट के बाद हम प्रेशर को और कम कर देंगे, सिर्फ और पेंसिल को हवा में हल्का सा चलाएंगे, हल्का सा, और दूरी भी हम थोड़ा सा गैप रखेंगे इसका। ये देखिए सर, अब इसमें ये पार्ट शेडिंग करने का ये तरीका है, ये पार्ट डार्क है, ये थोड़ा सा कम डार्क है, और कम 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 होता जाएगा इस तरह से, इस तरह से शेडिंग आपको दिखेगी।
देखिए ये पार्ट 1, 2, 3, 4। अब इस तरह से हमने शेड को लाइट से शुरू किया था, लाइट शेडिंग से हम डार्क शेडिंग की तरफ गए थे, यहाँ पे हम डार्क शेडिंग से लाइट शेडिंग की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत सारी पिक्चर में, बहुत सारे ड्राइंग में ये ही सिस्टम चलने वाला है। और ये जो टेक्निक है शेड्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अब ध्यान से देखें, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। ये एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ पे है, आपको ये आपको खूब बार करनी है। और इसमें भी आपको पेंसिल को पकड़ने का तरीका, प्रेशर डालने का तरीका, और इसको जो मोमेंट है, देखिए इसमें फिंगर फिंगर का मोमेंट और कलाई का मोमेंट, रिस्ट और फिंगर दोनों ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत टाइट, आपने बहुत टाइट इसको पकड़ रखा, बहुत टाइट नहीं पकड़ना है। ये पकड़ने की, जैसे आप पेन चलाते नॉर्मल वैसे ही। और बहुत से बच्चों की आदत ऐसी होती है कि यूँ कॉपी को बहुत तिरछा करके लिखते हैं, बहुत आड़ा करके लिखते हैं, बहुत घूम के लिखते हैं। वो आदत से आपको छुटकारा पाना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। क्योंकि हम बड़ी ड्राइंग बनाएंगे दीवार पे, तो हम दीवार को आड़ा तिरछा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा पोर्ट्रेट कोई बनाना हो तो स्ट्रेट ही बनाने की आदत आप इस तरह से डालें। आपको ये बिल्कुल 90 डिग्री में आपको लिखने की आदत है। बहुत से बच्चों की आदत ऐसे लिखने की होती है, तो वो ड्राइंग के लिए सही नहीं है। ड्राइंग में आपको हर एंगल से सब कुछ बनाना आना चाहिए। हर एंगल में आपको इस तरह से भी आना चाहिए, इस तरह से भी, इस तरह। कोई एक आदत नहीं डालनी है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये सब सब के सब एक्सरसाइज करनी है आपको। और इस तरह से ये एक्सरसाइज, उसके बाद नेक्स्ट शेडिंग आपकी शुरू हो जाएगी। शेडिंग के बाद कुछ हल्की फुल्की ड्राइंग और हार्ड ड्राइंग बनाना आप शुरू कर देंगे, और आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। पेंसिल नॉर्मल अगर उपलब्ध हो सके तो ये बी, देखिए 2B, 4B, 6B अलग अलग तरह की पेंसिल आती हैं, तो आप सिंपल पेंसिल से भी कर सकते हैं। और ये ग्रेफाइट पेंसिल है, इसमें ये जो हम जो शेडिंग करते हैं वो अच्छी शेडिंग होती है, क्रिस्टल ग्रेफाइट पेंसिल होती है। ये नॉर्मली आप स्टेशनर पे मिल जाएंगी कहीं भी, तो शेडिंग का ये तरीका है। इसलिए इसको प्रैक्टिस को बार बार करें, अच्छे से करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।